हाय फ्रेंड्स, आज मैं आलू और बैंगन की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो एक बंगाली कुसीन है, आलू बेगुनेर झोल विद पॉपी सीड्स। जो पॉपी सीड्स होते हैं, जिसे हम पोस्त बोलते हैं, पॉपी सीड्स, ये मैंने पहले इसका एक पेस्ट बना लिया है, जिसमें पॉपी सीड्स हैं और दो मिर्चें हैं और एक छोटा पीस अदरक है, क्योंकि आधे घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था, उसके बाद वो मैंने अब पीस लिया है, इसकी एक पीसे बनाया है। इसके बाद मैंने ये जीरा, हल्दी और मिर्च है, तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार, दो मिर्चें मैंने ग्रीन चिलीज उसमें पीसा था पॉपी सीड्स के साथ, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च लिया है और थोड़ा जीरा, और ये पंचफोड़न है। पंचफोड़न मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कैसे बनता है। ये मैंने पोस्ता भिगोया है, पोस्ता जैसे पॉपी सीड्स कहते हैं, इसमें मैं दो मिर्चें डाली हैं और इतना अदरक, इसको मैंने भिगो के रखा है, करीब आधा घंटा ये भीगेगा। ये मेरा तेल गरम हो चुका है और इसमें मैं पंचफोड़न डाल रही हूँ, और इसके साथ ही मैं बैंगन को थोड़ा भून लूंगी। और आलू और बैंगन को थोड़ा सा हल्के लाल होने तक इसको भून लेना है। ये देखिए, मेरे बैंगन और आलू भून चुके हैं। इस पॉइंट पे, इस जगह पे मैं मसाले डाल दूंगी। मैंने अपने सारे मसाले ये डाले, थोड़ा सा पानी डाला है। ये मैंने पॉपी सीड्स जो बना के रखा था, पीस के रखा था, उसको भी हम डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे। इसमें ग्रेवी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपको चाहिए। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ये बंगाली कुसीन, इसका नाम है बैंगन आलू झोल। झोल मीन्स होता है ग्रेवी, तो इसमें थोड़ा ग्रेवी बनाना है। ग्रेवी, इसमें मैं इतना एक चम्मच चीनी डाल दूंगी। ये थोड़ी मीठी होती है, हल्की मीठी होती है, ये चीनी डाल दिया मैंने। इतना नमक डालूंगी, को अच्छे से मिलाएंगे, और इसको मैं अब ढक दूंगी। 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकेगा ये। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, आलू गल चुके हैं, अब ये मेरी ग्रेवी तैयार है। इसमें लास्ट में मैं जीरा भुना हुआ डाल देती हूँ, इसको आप अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से इसको मिला देंगे। ये मेरी तैयार है आलू बैंगनी झोल। मेरी आलू बैंगनी झोल, आलू बैंगन की रसेदार सब्जी, ग्रेवी वाली वेजिटेबल, जो कि पॉपी सीड्स के साथ बनी है, ये आप ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये बंगाली कुसीन है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।